सो हे गाइस, इज मी शिवम त्रिवेदी एंड यू नो व्हाट, गुड मॉर्निंग. मतलब मेरे मुंह से आपने कभी नहीं सुना होगा गुड मॉर्निंग, लेकिन आजकल मेरी लाइफ ही अलग चल रही है. तो अभी सुबह सुबह उठाऊ मैं 9 बजे, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है नॉर्मल ड्रेसिंग वगैरह के लिए. तो एक्चुअली ना यार, मुझे याद भी नहीं है कि कितने दिन हो गए मैंने शिवम थिंग्स पे कुछ भी नहीं डाला है. एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या. जो थोड़ा बहुत टाइम और एनर्जी मिलता है उसमें मैं मेन चैनल का करने लग जाता हूँ. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन, यू नो, अ डे इन माई लाइफ टाइप का मैं वीडियो भी व्लॉग ही बना लेता हूँ. आई होप दैट विल बी, यू नो, फुल्ली अचीव्ड. तो अब सर्जरी को एक्चुअली 21 डेज, यानी पूरे 3 वीक्स आज कंप्लीट हो गए हैं. एंड आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर. बट अभी भी वो सिरिंज हट गई है मेरे यहाँ से, वो जो बताया था मैंने ब्लड वगैरह इकट्ठा होता था उसमें, वो हट गई है. बट अभी भी स्टिचेस नहीं हटे हैं. एंड आई रियली प्रे कि आज मैं जाऊं तो डॉक्टर जी बस बोल दे कि यार ये बस हटाओ, इसको खत्म करो, क्योंकि आई एम फेड अप. Also, I know, ये इतना ज़्यादा frustrated है ना stitches को लेके, कब खुलेंगे कब खुलेंगे कब खुलेंगे. इसकी वजह से अभी भी मेरे को टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ रहा है पॉटी करते हैं. A few minutes later. तो guys, finally हमारी कैब आ गई है बहुत देर बाद. एंड अब मैं बेड से उठने वाला हूँ, जो कि आई हेट सो मच, क्योंकि सच में दोनों पैरों का जोर नहीं लग पाता है ना. तो इट्स सो डिफिकल्ट, बट आई कैन डू इट. आज मैंने डिसाइड करा है कि मैं हर जगह खुद चलूंगा, nobody will help me. क्योंकि वैसे ही डॉक्टर ने वहां पे बोला था कि खुद से चल के आना. तो आई एम नॉट गोना डू इट फेक कि हाँ मैं सिर्फ डॉक्टर के सामने खुद से चल के आऊं. आज मैं पूरा खुद से चल के जाऊंगा. आज ये बहुत टाइम बाद, मतलब एक्चुअली बिना सहारे के तो आज ये पहली बार चल रहा है. मैं ढंग से चलना चाहूंगा. चलो चलो, ओके, दैट्स अ टेडी वॉक. थोड़ा बहुत मैं नॉर्मली चलने की कोशिश करता हूं. हाथ पकड़ ले मम्मी का. ये अपने आप ही हो रहा है, पता है, ये अपने आप उस पे जोर ही नहीं डल रहा है. ठीक है, सेकंड ट्राई. हे, क्यों आराम से, कैसा लग रहा है? आ जाओ मम्मी बाहर. आप भी ट्राई, जस्ट ट्राई. So yeah, hospital almost आने वाला है and finally I am really praying कि काश मेरे stitches आज कट जाएं. Let's see what happens. I know, और वो इतना बड़ा area है ना कि इसने actually बहुत descriptive तरीके से बताया नहीं है, पर वो बहुत सारे stitches हैं, मतलब बहुत सारे. मुझे बताओ, मुझे जानता है ना, मुझे देख रहा है, तेरे पास photo है, अपने पास रख, मुझे नहीं दिखाऊंगी, मैं कभी दिखाऊंगी भी नहीं. देखो के बाद वी केम बैक होम एंड आई कैन नॉट टेल यू गाइस, मतलब मुझे नहीं पता था सच में कि स्टिचेस कटने में इतना दर्द होता है. मतलब मेरे तो हुआ भाई इतना दर्द कि उस दिन आके, वैसे भी मैं सो के गया नहीं था, आके आई जस्ट स्लेप्ट. इनफैक्ट अगले भी दिन पूरे दिन मैं सोता ही रहा हूं. एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मेन चैनल का वीडियो जिस पे हम अभी आएंगे. पर पता है, ऑल ऑफ दिस हैज मेड मी रियलाइज दैट लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल. मतलब मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये सब मेरे साथ होएगा. एंड इनफैक्ट पिछले 2 साल से वी हैव ऑल सीन कि कोविड का जो भी कुछ रहा है, अ लॉट ऑफ अस डिड नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैपन. लाइक सैडली अ लॉट ऑफ फैमिलीज लॉस्ट देयर ब्रेड अर्निंग मेंबर व्हिच पुट देम इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस. इसलिए आई फील आजकल एक टर्म प्लान होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू कीप योर फैमिली सेफ इवन इफ यू आर नॉट अराउंड. जिसके लिए policybazaar.com से बेटर जगह और कोई भी नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको मिलते हैं 20+ इंश्योरर्स, पॉलिसीज कंपेयर करने के तरीके, 10% ऑनलाइन डिस्काउंट और 24/7 क्लेम असिस्टेंस. तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि टर्म इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कवरेज प्रोवाइड करती है पॉलिसी होल्डर को फॉर अ सर्टेन टर्म ऑफ इयर्स. टर्म प्लान्स कवर करते हैं 59 इलनेसेस एंड एडिशनल राइडर्स लाइक एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट एंड इनकम बेनिफिट राइडर. तो इन केस द पॉलिसी होल्डर मीट्स विद समथिंग अनफॉर्चुनेट, उनके नॉमिनीज को मिलता है एक लंप सम मॉनेटरी बेनिफिट. सो फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल सैलरी 5 लाख रुपीज है, तो आपको मिनिमम कवर उसका 20 times बाय करना चाहिए, विच वुड बी अराउंड ₹1 crore, जिसके प्लान स्टार्ट होते हैं सिर्फ ₹490 पर मंथ से. ऑल्सो पॉलिसी बाजार में मिलेगी आपको कवरेज अप टू 80 years की, टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C. एंड सिंस पॉलिसी बाजार इज एन ऑनलाइन पोर्टल, यहां आप काफी सेव कर सकते हो, क्योंकि द प्रीमियम्स आर लोअर देन बाइंग ऑफलाइन फ्रॉम अ बैंक और एजेंट. सो गो अहेड, फाइंड अ पॉलिसी दैट सूट्स यू एंड बाय अ टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम policybazaar.com. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो एज आई सेड, हॉस्पिटल से आने के बाद मैं अपना मेन चैनल वीडियो करने लग गया था, जो एक अपने आप में ही अलग एक्सपीरियंस था. तो मैंने सोचा इसको भी पूरा अच्छे से व्लॉग करते हैं, जो आप समझ ही जाओ
कि क्या हुआ, मतलब क्या ही बोलूं मैं, इट वाज आल्सो अ फेल जस्ट लाइक दिस वन, जो अ डे इन माय लाइफ मैंने सोचा था मैं करूंगा वो भी फेल ही हुआ, क्योंकि डे के शुरू के 2 घंटे व्लॉग करके मैं पूरे दिन सो ही रहा था। इट्स लाइक मेरे से ना कभी ऐसे लंबे ड्यूरेशन में व्लॉग होगा ही नहीं, आई थिंक मेरे को ना इनको व्लॉग्स बोलना भी नहीं चाहिए, मेरे को इनको सेमी व्लॉग्स बोलना चाहिए, क्योंकि दैट्स व्हाट इट इज। तो चलो इस पूरे वीडियो को अ वीक इन माय लाइफ मान लेते हैं और उसमें एक और सेमी व्लॉग मेरे फर्स्ट वीडियो आफ्टर सर्जरी का। Have a look. So hey guys, this is me Shivam Trivedi और आज बहुत time बाद, literally I think 1 महीना पूरा होने वाला है, पहली बार ऐसा हुआ है अपने 6 साल के YouTube करियर में अभी तक मैंने 1 महीने से कोई वीडियो नहीं बनाया है, एंड ऑफकोर्स इट इज बिकॉज ऑफ द सर्जरी, लेकिन फाइनली आज इज दैट डे व्हेन आई एम फाइनली मेकिंग अ वीडियो। सो एज यूजुअल वीडियो से पहले मेरी बहन ने कॉफी बनाई है, पहले वो चाय बनाती थी बट गर्मियों में आई डोंट नो शी डजंट मेक टी, इट्स सो वियर्ड बाय द वे। तो ये एक मिनट रखो, हाँ तो यार बड़ा अजीब सा लग रहा है इतने टाइम बाद ऐसे पूरे ट्राइपॉड और कैमरा वैमरा लगा के, और तो बीच में एक वीडियो मैंने शूट किया था बट दैट डजंट रियली काउंट क्योंकि उसमें मैंने कोई स्क्रिप्ट विप्ट ऐसा लिखी नहीं थी। सो बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे क्योंकि एक तो पहली बात तो मेरी दाढ़ी और बाल इतने बड़े हुए क्योंकि बाहर जाके तो मौका ही नहीं मिल पा रहा है कटाने का, लेकिन यू विल नॉट बिलीव गाइज आई कैन फाइनली सिट, मतलब आई नो ये बहुत ही छोटी सी बात है बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो चुकी है, आई कैन फाइनली सिट थोड़ा ऐसे ओके फाइनली आई कैन सिट, ओ थैंक यू सो मच। तो चलो फाइनली इट्स टाइम टू रिकॉर्ड, बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को, अभी भी बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, लाइक मुश्किल से 25-30 मिनट बैठ पाता हूँ, उसके बाद पेन शुरू हो जाता है, देन आई हैव टू लाई डाउन, सो लेट्स सी लेट्स स्टार्ट। प्लीज मेरी गंदी स्क्रीन को इग्नोर करना बट यू विल नॉट बिलीव अभी लिटरली 5 पेजेस की स्क्रिप्ट है मेरी, यूजुअली इतनी होती है और अभी इतना हुआ है पार्ट एंड इतने में ही मेरे इतने जोर के बैक एक हो रहा है दैट आई हैव टू गेट अप, सो आई एम गोना कीप दिस हियर और अब मैं उठने वाला हूँ जो कि अपने आप में एक टास्क है, वो मेरे लेग्स तो नहीं दिख गए सेक्सी से। ओके थैंक गॉड, सो यू विल नॉट बिलीव मैंने लिटरली स्क्रिप्ट भी ऐसे ही लिखी है, मतलब यूजुअली क्या होता है कि भाई घंटों घंटों तक लिखते रहो ना, एक बार फ्लो बन जाता है तो पता नहीं चलता। अभी आई हैड टू सेट अलार्म्स आधे आधे घंटे के, आधे घंटे का अलार्म, आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू लाई डाउन, देन आई हैव टू सिट बैक थोड़ी 15-20 मिनट बाद, एंड देन ये प्रोसेस करते करते ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है ये स्क्रिप्ट मेरी अभी तक की लाइफ की सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्क्रिप्ट है, इसलिए नहीं कि इसमें एलिमेंट्स वगैरह कुछ ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि मुझे ब्रेक्स ज़्यादा लेने पड़े हैं as compared to actual scripting. So apart from all of this, I again want to thank you all so much. मतलब अभी तक इतने लोगों के comments and DMs आते हैं asking कि how are you doing now? How are you? I hope you're doing fine and so many good wishes. Just thank you so much, guys. Trust me, I'm a lot better. पूरे वीडियो में although बीच-बीच में मैं गा ही चुका हूँ कि कितनी problem अभी भी हो रही है, but I think it'll take some time. But yeah, I think I'll recover अच्छे से. And then I promise I will be back. Like यहाँ पे आज मैंने शुरू कर दिया है. I'll try कि मैं frequently upload करूं, मेन चैनल का तो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम, आई थिंक इंस्टाग्राम तो शायद मैंने खोला ही नहीं है महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है, बट कोई नहीं, यहां पे भी वीडियो बनाएंगे, रील्स पे भी बनाएंगे, मेन चैनल पे भी वीडियो बनाएंगे, विच एक्चुअली रिमाइंड्स मी कि मेरे पास मेन चैनल के और इस वीडियो के काफी सारे ऐसे एक्स्ट्रास और ब्लूपर्स पड़े हैं, सो हैव अ लुक। खुद ही बात बोलिए ना, तो क्यों मेक्स नो सेंस, क्यों तू बताएगी ये एनीवेज व्हाट अबाउट जी अपन, तो चलो होगी फुद्दू बात मेरी, मैं फुद्दू हूँ, पूरा फुद्दू हूँ, ठीक है हाँ, तो चलो बाकी की रिकॉर्ड बाद में, बाकी का मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, आई विल सी यू लेटर, ओके बाय, बंद कर दे तू, बैठ जा जाके कहीं, कुछ ली, कैन यू लाइक गिव मी माय फोन, गिव मी योर फोन सो आई कैन चेक माय हेयर, बीच बीच में थोड़ा ऐसा हो जाता है ना, वैसे भी दो ही नहीं है 20 दिन से, फेंक के मारो तेल लगा ले हिमाचल को रहा क्या था बंगोला बंगो चा 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 ऐसे कर लो तो बंग मत कर बंग तू असली Get out. मेरी वैसे नहीं बैठा जा रहा मेरे से मेरे आप मुक्का खा के आ जाएंगे अगर आप चुप नहीं हुए तो शुरू हो रहा है अब तगड़ा वाला एक पेज कितने 1.5 पेज की रह गई है स्क्रिप्ट एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरे को ना अभी तक वो नहीं हो रहा था कि हमें को लग रहा था हाँ चलो अब तो ठीक हो गया है क्योंकि
अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली चीजें चल रही थी कि हाँ आधे घंटे स्क्रिप्ट लिखी लेट गया ये, बट अब क्या हो रहा है आई कांट रिकॉर्ड 5 घंटे 6 घंटे लगा के, अब भाई लाइटें वाइटें ऑन करके सब सेट करके बैठा हूँ और पता है कि जल्दी करना है, तो अब जब प्रेशर में लाइक आई हैव टू सिट देन 5 मिनट खड़े होकर हैव टू सिट, अब दर्द पता चल रहा है। Hi. आप हर बार इतना ऑकवर्ड क्यों हो? No. उस दिन इन्होंने पता क्या किया कैब में कैब में एम्बुलेंस में मैं उल्टा लेटा हूँ साइड में से इनको दर्द था, अब ऑब्वियसली उनके भी नीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे बैग में ऐसे हाथ रखे होते हैं ना, मैंने बहुत इसी के लिए तो भाई पूरा मसला हो रहा है बट किया, लेकिन फिर मैंने बोला सॉरी 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 यार, देन शी सेड सॉरी। मम्मी हाथ उधर मेरे पूरे खानदान में किसी को ब्लॉगिंग नहीं आती, लेट्स बी ऑनेस्ट, लेकिन आई एम वेरी प्राउड, मैं खुद भी सीख रहा हूँ अभी, लेकिन आई एम वेरी प्राउड कि आज मुझे एटलीस्ट याद तो है कि हाँ मुझे रिकॉर्ड करना है, अब मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि यू गाइस नो कि मैं पूरे दिन कहीं पे ब्लॉगिंग करने के लिए जा सकता हूँ और मैं घर आऊंगा और देखूंगा 2 मिनट की फुटेज होती है, सो आई एम नॉट गोना लेट दैट हैपन टुडे। ओके सो मैं निकलने से पहले वॉशरूम आया था ना, जस्ट रियलाइज के ये सब तो हमने अभी तक दिखाया ही नहीं है, एंड आई जस्ट रियलाइज कि वो जो मेरे सारे वीडियोस इतने सारे बने पड़े थे वो होम डेकोर वाले वो धरे के धरे रह गए हैं, क्योंकि यार बहुत स्कैटर्ड है और मुझे ना इधर उधर से जोड़ जोड़ के बनाने पड़ेंगे, सो गाइज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अब कोई पॉइंट भी है होम डेकोर वगैरह वाली चीजें डालने का, या फिर आई शुड जस्ट यू नो सम देम अप इन वन वीडियो और डाल देना चाहिए मुझे ऐसी पूरे रास्ते ऐसे बैठना पड़ेगा नॉर्मली मैं आगे बैठी हुई थी, मुझे पता नहीं तू कैसे बैठती है। मम्मी तोड़ दो मतलब ऐसे गौरव जोन की तरह पूछ रही है कि हां पूरा उससे बट नहीं नहीं सही में मैं आगे बैठी हुई होती हूं ना नॉर्मली, मेरे को नहीं पता। आई स्वेयर मेरे को इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना बिकॉज़ सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना तो पड़ता है, लेकिन कैन यू बिलीव दिस कि मैं पूरी रात बिना सोया आता हूँ, पूरी रात सोया नहीं हूँ क्योंकि मेरा स्केड्यूल नहीं सुधर सकता, ये तो आई एम सुपर श्योर। गुड मॉर्निंग तो बड़े जोश में बोल रहे थे हम लोग, ऊपर से सुबह सुबह ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है दिमाग खराब हो जाता है, ऑफिस टाइमिंग पे निकलना इज लाइक So guys, that was it. Thank you so much. मेरा ये टूटा फूटा सेमी व्लॉग देखने के लिए आई होप आपको पसंद आया। Don't forget to like, comment, share and subscribe. Also check out Policy Bazaar. Find the best policy for yourself and buy a term insurance. The link is in the description. I will see you next time with a new video. Bye bye.